रेल्वे स्थानक परिसरात एका घरासमोर काही ऑमलेट विक्रेत्याने हातगाडी लावत त्या जागेला मद्यपींचा अड्डा बनवलाय. त्यास गाडी हटवण्याचे सांगताच जीवे मारण्याची धमकी दिली जाते अशी तक्रार करत एका परिवारानं पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या कार्यालयात अर्ज दाखल केलाय. पदमपुरा भागातील रहिवासी असलेले अपचल नगरसिंग यांच्या घरासमोर काही नागरिकांनी बळजबरीनं अतिक्रमण करत त्यांच्या जागेवर ऑमलेट विक्रीची हातगाडी लावली आहे. या हातगाडीवर नेहमीच मद्यपींचा वावर असतो, त्यामुळे आमचं जगणं मुश्किल झालं आहे असा आरोप करत सिंग यांनी पोलीस आयुक्त यांना कारवाई करण्याचं निवेदन दिलंय. पप्पू नारायण मोरे, ये तीनों वहाँ पर चिकन की और पाव बड़ी की जो हाथ गाड़ियाँ लगा रहे हैं और वहाँ पर खड़े रह के दाने पिलवा रहे हैं लोगों को. मैंने इसकी कंप्लेंट दी है, पहले 9 तारीख को दिए मैंने विधान नगर थाने में रेलवे स्टेशन पे. उसके बाद मैंने CPP को दिए, 11 तारीख को दिए मैंने और फिर मैं CP से मिला भी हूँ 19 तारीख को. बोलने को जहाँ जान से मारने की धमकी देते हैं और वो तेरे को वहाँ बैठ पा देंगे तो पता भी नहीं लगेगा, तेरे को मार के फेंक देंगे, ऐसी धमकियाँ देते हैं. मैं वो बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे. उन्होंने मेरे को भी धमकियाँ दी और मेरे आम पे आ रहे थे मारने के लिए और वो मेरे को बोले ऐसे ऐसे कर देंगे, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे, हमारा बेटा छोटा है एक्सपायर हो गया, हमारे से साथ कोई भी नहीं है, तो उसके भी दो दो बच्चे हमारे पास रह रहे, तो हाँ हमारे को ऐसे ऐसे धमके दे रहे हैं पुलिस वाले, कोई हमारी कोई से सहायता नहीं कर रहे. हमने 3-4 बार बोले कमिश्नर साहब के पास भी, हम 2-3 बार गए हैं, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करते. मेन बकू है गुंडा, उसके पापा हैं साधु नारायण और गणेश उसका भाई है छोटा, सब के सब. हम रात को भी गए तो उन्होंने 20-25 आदमी वहाँ के इकट्ठे कर लिए 250-300, तो हमारे को मारने को धमकियाँ दे रहे हैं.